नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यह खबर है जौनपुर के राजा हरपाल सिंह पीजी कॉलेज सिंगरामऊ में शिक्षक सम्मान सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक दिवस के दिन संकाय सदस्यों का स्वागत तथा अभिनंदन करने का किया गया आयोजन। उक्त अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह एक पक्की नींव ही ठोस और मजबूत भवन का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी भवन खड़ा करने में सहायक प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर विभा सिंह ने कहा कि एक अच्छे शिक्षक में बौद्धिक ज्ञान के साथ उसके सहनशीलता, धैर्य एवं उदारता जैसे चारित्रिक गुणों का होना आवश्यक होता है। कार्यक्रम में उक्त अवसर पर प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह, प्रोफेसर एनके सिंह, प्रोफेसर इंदु प्रकाश सिंह, प्रोफेसर जय कुमार मिश्र, डॉक्टर सारिका सिंह, कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संतोष सिंह सहित सभी विभागों के प्राध्यापक एवं बड़ी संख्या में महाविद्यालय की छात्र छात्राएं मौजूद रही। यह खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ जिला ब्यूरो धर्मेंद्र शर्मा की। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। धन्यवाद। तो यकीन मानिए कि कक्षा में भाषण देने से उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो हमें पहले अपने आप को उसके लायक करने की जरूरत है, तभी हमारा समाज पर असर होगा और तभी हम शिक्षक होने की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। शिक्षक सम्मान सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत आज राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ जौनपुर में शिक्षकों के स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था। उसी क्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के द्वारा संकाय सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुक्रम में समाज में शिक्षकों की भूमिका और उनके योगदान को लेकर के सप्ताह भर कार्यक्रम चलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में आने वाली 8 तारीख को महाविद्यालय में एक ऑनलाइन संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों के 8 प्राचार्य और पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य सम्मिलित होंगी।